नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके पास अगर फोन पे अकाउंट बना हुआ है उसमें कुछ पैसे हैं और आप कोई दुकान गए तो आपके पास फोन पे में पैसे हैं तो उसको कैसे पेमेंट करेंगे दुकानदार के क्यू आर कोड को कैसे स्कैन करेंगे और कैसे पेमेंट करना है वो चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो दोस्तों आपने अभी तक फोन पे का अकाउंट नहीं बनाया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वो वीडियो आप देख लेंगे तो आप आसानी से फ़ोनपे बना सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको स्कैन करना है क्यू आर कोड को और कैसे आपको पेमेंट करना है तो उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और आइकन ज़रूर दबा लेंगे ताकि नए अपडेट मिलते रहेंगे प्रेस करें सब्सक्राइब बटन और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाइए और ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों सबसे पहले फोन पे ओपन कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्यू आर कोड स्कैन करने का एक बटन दिया गया होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है और जो दुकान में लगे हुए क्यू आर कोड को आपको स्कैन कर लेना है अब जितना अमाउंट आपको दुकानदार को पे करना है उतना अमाउंट आपको यहाँ पर टाइप कर देना है उसके बाद अपना बैंक सेलेक्ट करें जो बैंक से आपको पे करना है और सेंड पर क्लिक कर देंगे उसके बाद अपना यू पिन डाल देंगे ओके कर देंगे इस तरह से आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और डन पर क्लिक कर देंगे तो दोस्तों इस तरह से आप अपने फोन पे से कोई भी दुकानदार के आर कोड पे आप पे कर सकते हैं और मनी उसे दे सकते हैं अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू